गुड इवनिंग डियर चिल्ड्रेन, आई वेलकम यू ऑल इन वर्चुअल क्लास 22 ऑफ चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स। एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द न्यू टॉपिक दैट इज न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड को पढ़ाने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो हमें क्लियर हो जानी चाहिए कि वी स्टडीड इन नाइन्थ क्लास दैट स्मॉल द सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ दी लाइफ। लाइफ की सबसे छोटी यूनिट होती है सेल, और इन सेल से मिलकर बनता है टिश्यूज, और इन्हीं टिश्यूज से मिलकर बनते हैं हमारे ऑर्गन्स। क्या बनते हैं? ऑर्गन्स। और इन्हीं ऑर्गन से मिलकर हमारा सिस्टम बनता है, कोई एक सिस्टम बनता है। इन ऑर्गन से मिलकर क्या बनता है? सिस्टम। और सिस्टम से मिलकर बनती है पूरी कंप्लीट एक बॉडी। मीन्स ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इसका सिमिलर सिस्टम हो गए, इसका सिमिलर ऑर्गन्स हो गए, इसका सिमिलर सिंपलेस्ट फॉर्म टिश्यू हो गया, और सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गया? सेल हो गया। मतलब सेल जो है सबसे छोटी यूनिट हो गई हमारी लाइफ की, बॉडी की सबसे छोटी यूनिट सेल। अब हमें ये पढ़ना है कि आखिर इस सेल के अंदर ऐसा क्या होता है जो कि हेरिडिटी से रिलेटेड होता है। क्योंकि कई बार हम बोलते हैं कि मेरे पापा छोटे हैं इसलिए मैं छोटी हूँ, है ना, मेरी मम्मी के बाल लंबे हैं इस वजह से मेरे बाल भी लंबे हैं, तो बिकॉज ऑफ हेरिडिटी वी आर गेटिंग दिस थिंग। तो ये हेरिडिटी में कौन पार्टिसिपेट करता है? सेल। लेकिन सेल के अंदर कैसे? सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम। क्या होते हैं? क्रोमोसोम। और ये क्रोमोसोम का मतलब कैसे होता है? सपोज जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, इस जाइगोट की एक सेल के अंदर ये क्रोमोसोम होगा। अब इसी क्रोमोसोम्स में मल्टीपल डिप्लीजन होंगे, डिवीजन होंगे, माइटोसिस मियोसिस डिवीजन होंगे, जिससे ये चार बनेगा, चार से आठ, आठ से सोलह, फिर एक कंप्लीट सेल बनेगी। उस सेल्स का डिवीजन होता जाएगा और एक कंप्लीट ऑर्गन बन जाएगा। मतलब ये कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन इस एक सेल से होता है, क्योंकि इसमें मल्टीप्लीकेशन होते हैं। अब ये जो क्रोमोसोम है, इट मीन्स दिस वन इज ओनली द थिंग विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेरिडिटी। अब इस क्रोमोसोम में ऐसी क्या चीज होती है? तो इसमें होता है न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड, जो कि बना होता है डीएनए और आरएनए से। हम ये बोल सकते हैं कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो डीएनए आरएनए से मिलकर बने होते हैं, जिसकी स्टडी अब हमें करनी है, यानी कि न्यूक्लिक एसिड, इनकी स्टडी हमें आज करनी है। अब मैंने तुम्हें बता दिया कि भाई सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, इसमें क्रोमोसोम्स होते हैं जिसके अंदर ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं, ये हमें पता चल गया। बट आखिर ये न्यूक्लिक एसिड बनता किससे है? तो ये बनता है तीन चीज़ों से मिलकर, पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड डेरिवेटिव्स एंड नाइट्रोजनस बेस। मतलब इस न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन होता है तीन चीजों से, पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड डेरिवेटिव्स और नाइट्रोजनस बेस। अब इसके अंदर भी कौन कौन होते हैं वो देखो। पेंटोज शुगर के अंदर होती है राइबोज और डी ऑक्सीराइबोज। तो ये तो हमें डीएनए आरएनए के फुल फॉर्म से ही पता है, डीएनए मतलब डी ऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोज शुगर जिसमें होगी वो है डीएनए, आरएनए मतलब राइबोज न्यूक्लिक एसिड, मतलब जिसमें राइबोज शुगर होगी, ये हमें इससे क्लियर हो रहा है। अब हमारा फॉस्फोरिक एसिड का कौन सा डेरिवेटिव होता है? फॉस्फेट ईस्टर होता है। नाइट्रोजनस बेस कौन से होते हैं? हेट्रोसाइक्लिक। तो अब हमें आगे फर्दर पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर मीन्स मतलब ग्लूकोज के जैसी सेम स्ट्रक्चर, बट इसमें छह की जगह पांच कार्बन होते हैं, उसे हम बोलते हैं पेंटोज शुगर। हियर इज द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज। राइबोज का सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर ये रहा। अब इसमें फिर से वही हैमी एसिटेल पोजीशन आएगी, यहाँ से एच हट जाएगा, यहाँ से एक एच हट जाएगा, ये यहाँ सॉरी एक बॉन्ड हट जाएगा, यहाँ से एच यहाँ पहुँच जाएगा, इसका ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, तो ये हैमी एसिटेल स्ट्रक्चर बन गई। अब इसको हमने क्या बना लिया? रिंग बना लिया, रिंग लाइक साइक्लिक स्ट्रक्चर ये रही किसकी? राइबोज की।
अब अगर तुम्हें डीऑक्सीराइबोस की स्ट्रक्चर करना है याद, तो कुछ नहीं करना, राइबोस की स्ट्रक्चर याद कर लो। डीऑक्सीराइबोस, डी मतलब हटाना, ऑक्सी ऑक्सीजन को, सिर्फ और सिर्फ सेकंड नंबर वाले कार्बन से ये ओ हटा दो, तुम आपकी स्ट्रक्चर कौन सी बन गई, डीऑक्सीराइबोस। ये है राइबोस शुगर और यहां से ओ हटा के एच लगा दिया तो ये हो गई डीऑक्सीराइबोस। हियर यू कैन सी दी स्ट्रक्चर। डिफरेंस क्या है, राइबोस में यहाँ पर जो दूसरा कार्बन है उसमें ओ एच जुड़ा हुआ है, यहाँ पे जो है ओ एच जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ क्या होता है, ओ एच नहीं होता, यहाँ एच जुड़ा होता है। इसलिए क्या, सेकंड नंबर वाले कार्बन पे दोनों साइड एच एच होता है, इसलिए यह है डीऑक्सीराइबोस। देखो सीधे नीचे एच है, ओ एच नहीं है। तो हमारे समझ में आ गया स्ट्रक्चर, राइबोस और डीऑक्सीराइबोस। अब आती है फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H3PO4, स्ट्रक्चर ऐसा बना होता है। अब इसको हमें किसमें कन्वर्ट करता है, फास्फेट ईस्टर। ईस्टर का फॉर्मूला होता है COO, यही होता है। अब फास्फेट ईस्टर क्या होगा, POO, तो वो यही है POO और R। अब क्या होगा, ये जो H जुड़े हुए हैं इसमें, इसमें एक एच हटके कोई आर फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाएगा, आर ग्रुप जुड़ जाएगा, आर ग्रुप जुड़ जाएगा, इससे ये कन्वर्ट हो जाएगा फास्फेट ईस्टर में, फास्फो ईस्टर में। अब ये भी तीन टाइप के होते हैं। अगर एक एच हटके आर जुड़ रहा है तो वो है मोनोफॉस्फो ईस्टर, अगर दो एच हटके आर जुड़ रहा है दो जगह तो वो है डाईफॉस्फो ईस्टर, अगर तीनों एच रिमूव होकर आर जुड़ रहे हैं तो वो है ट्राईफॉस्फो ईस्टर। लेकिन न्यूक्लिक एसिड कंटेन्स ओनली मोनोफॉस्फोईस्टर, लेकिन न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है, सिर्फ मोनोफॉस्फोईस्टर होता है। इधर तक क्लियर? अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैम हम लोग ये क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी हमें क्या नेसेसरी है, क्या जरूरत है इन सबको पढ़ने की। तो आपको याद होगा कि अपन ने पहले भी जब अमीनो एसिड्स पढ़े थे तब हमने उसके सिंपल स्ट्रक्चर्स पढ़ी, ऐसे ही हमने जब कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े तब हमने उसके सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर पढ़ी, शुगर की, फ्रक्टोज की, उसके बाद जाके हमने शुक्रोज वगैरह की फॉर्मेशन करी थी। इसी तरीके से हमें अभी डीएनए और आरएनए की कंप्लीट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पढ़नी है जो कि इन तीनों चीज़ों से मिलकर बनेगी। जब हमने राइबोस शुगर, डीऑक्सीराइबोस शुगर और फास्फोरिक एसिड की स्ट्रक्चर ही नहीं पता होगा मॉलिक्यूलर, तो हाउ कैन वी फॉर्म द डीएनए, हम उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किस तरीके से, मतलब जो उसकी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है वो कैसे बना पाएंगे, इसलिए हमें इसको पढ़ना जरूरी है। तो दो पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए। अब बात ये आती है नाइट्रोजिनस बेस। तो नाइट्रोजिनस बेस न्यूक्लिक एसिड में 5 टाइप के पार्टिसिपेट करते हैं जो कि मिलते जुलते होते हैं, डेरिवेटिव्स होते हैं प्यूरीन और पिरिमिडीन के। लिसन इट अगेन, न्यूक्लिक एसिड देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजिनस बेस आर देयर एंड दे आर द डेरिवेटिव्स ऑफ प्यूरीन एंड पिरिमिडीन। नाउ हियर इज द स्ट्रक्चर, प्यूरीन एंड पिरिमिडीन, ये है प्यूरीन का स्ट्रक्चर, ये है पिरिमिडीन का। कुछ नहीं, सिर्फ हमें याद करना है, रटना है स्ट्रक्चर, प्यूरीन पिरिमिडीन, प्यूरीन पिरिमिडीन के डेरिवेटिव्स कैसे, प्यूरीन कैसे बनता है, एक रिंग ये है और एक रिंग कैसे, 1 2 3 4 फाइव कार्बन 4 नाइट्रोजन, 5 कार्बन 4 नाइट्रोजन। पहले एक बेंजीन रिंग बना लो, बेंजीन रिंग के लेफ्ट हैंड साइड वाली पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे एन लगाओ, फिर पैरा पोजीशन पे एन लगाओ, एक कंप्लीट हो गई। फिर नेक्स्ट जगह जाओ, फिर दो दूसरे साइड से एक लाइन इधर एक लाइन इधर, फिर दोनों जगह नाइट्रोजन और उन दोनों को एक कार्बन से जोड़ दो, ये हो गया प्यूरीन। इसको याद कर लो स्ट्रक्चर को। पिरिमिडीन की पूरी बेंजीन रिंग बनाओ, एक और एक पैरा पोजीशन पर एक ऑर्थो पोजीशन पर नाइट्रोजन जोड़ दो, बन गई पिरिमिडीन। ये हमें याद करनी है। देखो पिरिमिडीन की सिर्फ इतनी सी स्ट्रक्चर है और प्यूरीन में इस स्ट्रक्चर में हमने और ऐड कर दिया ये, तो ये प्यूरीन हो गया, ये पिरिमिडीन हो गया। अब इनके डेरिवेटिव्स यूज होते हैं डीएनए आरएनए में, तो कौन से होते हैं न्यूक्लिक एसिड के फॉर्मेशन में वो देखना है। 5 टाइप के प्यूरीन का डेरिवेटिव है 2, एडिनिन और ग्वानिन। कौन,
प्यूरीन के दो डेरिवेटिव हैं, एडिनिन और गुआनिन। एडिनिन ये है, कुछ डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इतना प्यूरीन की पूरी स्ट्रक्चर ऐसे लिख दो, सिर्फ याद कर लो बॉन्ड NH2, टॉप पोजीशन पे क्या लगाना है NH2, वो हो गया एडिनिन। पूरी स्ट्रक्चर वैसे ही और ऊपर लगा दिया NH2, पूरी हो गई कंप्लीट एडिनिन। नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे आओ, इसमें हमें सिर्फ तीन चीजें याद रखनी है, ऑक्सीजन HNH2, ऑक्सीजन HNH2, ऑक्सीजन फर्स्ट एच, सेकेंड थर्ड NH2, मतलब 1 2 3 तीनों ही लगातार जुड़ रहे हैं। ऑक्सीजन HNH2 ऐसे स्ट्रक्चर बनानी है, एडिनिन एंड ग्वानिन। अब आते हैं पिरिमिडीन पर, इसके तीन डेरिवेटिव्स होते हैं, क्या? साइटोसिन यूरेसिल थाइमिन, साइटोसिन यूरेसिल थाइमिन, साइटोसिन यूरेसिल थाइमिन। साइटोसिन की स्ट्रक्चर पहले, ये तो आपने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनाया, इसमें हमें दो चीजें ऐड करनी है, क्या? NH2 and O। फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे आ जाओ। अब आप ये देखना कि ये जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है इसके अंदर यहाँ पे H भी जुड़ रहा है, इसके अंदर क्या हो रहा है, जहां NH2 था वहां O जुड़ गया, जहां N था वहां H लग गया, जहां नेक्स्ट पोजीशन है वहां हो गया फिर N के साथ H। बहुत सिंपल है, O H O H, चार जगह, इसमें तीन जगह पोजीशन लग रही है, एक NH2 O H, इसमें चार जगह O H O H। अब इसी तरीके से मिलती जुलती आपकी स्ट्रक्चर है यूरेसिल की, थाइमिन की, पूरी की पूरी ऐसी ही स्ट्रक्चर बना दो, सिर्फ यहां पर CH3 जोड़ दो, बन गया थाइमिन। पूरा एक स्ट्रक्चर सेम टू सेम एज इट इज ऐसा बना दो, बस यहां पर CH3 जोड़ दो, यहां CH3 जोड़ दो, वो बन गया थाइमिन। सो दिस स्ट्रक्चर्स यू हैव टू लर्न, इसको याद कर लो अच्छे तरीके से। इनको शॉर्ट में इंडिकेट किया जाता है, एडिनिन को ए से, ग्वानिन को जी से, साइटोसिन को सी से, यूरेसिल को यू से और थाइमिन को टी से। ये आपस में कुछ बॉन्डिंग पेप्टाइड बॉन्ड्स बनाते हैं, जुड़ते हैं, जिस तरीके से अमीनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़कर पॉलीपेप्टाइड बना रहे थे और पॉलीपेप्टाइड्स मिलकर प्रोटीन बना रहे थे, एज इट इज इसमें ये